The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. We are talking about the reasons, the myths. Myth of blood pressure. हमने अभी तक आपको बता दिया कि blood pressure families में जो लोग समझते हैं कि blood pressure genetic है, मैं उसे control नहीं कर सकता, ये गलत है. ब्लड प्रेशर जेनेटिक है, जी हाँ, टेंडेंसी जेनेटिक है, लेकिन आप सही लाइफस्टाइल जी के उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं. दूसरा मिथ ये है कि जो लोग सोचते हैं कि हम नमक नहीं खाएंगे, टेबल सॉल्ट नहीं खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उनका ये गलत है. आपके शरीर में नमक की कमी से भी बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारियाँ हो सकती है, और नमक कम रहना एक अकेला इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो ब्लड प्रेशर करता है. और ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों में, मतलब 75% तक हर खाने पीने की चीज़ है, मतलब ऐसी बहुत 25% ही चीज़ें होंगी जिनमें नमक नहीं होगा, समझ रहे हो? बाकी 75% तक एवरी सिंगल फूड हैज सॉल्ट इन इट. तो अगर आप नमक नहीं भी खाते हो तो भी आपके शरीर में नमक जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है मैनेज ना हो. तो ब्लड प्रेशर, जी हाँ, नमक बंद कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है, नमक कम रखना सोल्यूशन बिल्कुल है. तीसरा बड़ा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि हमने सी सॉल्ट, कोशर सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जो दूसरे सॉल्ट यूज़ करने लग गए हैं, हम पहाड़ी नमक यूज़ कर रहे हैं, हम काला नमक यूज़ कर रहे हैं, हम टेबल सॉल्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम टाटा नमक यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा. ये लो बहुत अच्छी चीज़ है, राइट? कि वो उनको लगता है इसमें ये लो सॉल्ट ऑल्टरनेटिव है या ये वो है या वो है, ऐसा कुछ नहीं है. जो केमिकली ये सारे नमक सोडियम क्लोराइड ही है, केमिकली ये सारे के सारे नमक सोडियम क्लोराइड ही है. तो डजंट मैटर आप ये ले रहे हो कि वो ले रहे हो, आपका शरीर में सोडियम क्लोराइड जा रहा है, ब्लड प्रेशर में दिक्कत होगी होगी. बेसिक चीज है कि सोडियम क्लोराइड का एक लेवल चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है 2.2 ग्राम्स, यानी 2200 मिलीग्राम्स एक दिन में. ये ज्यादातर चाहिए, ज्यादा मैक्सिमम डोज है. मिनिमम कितना चाहिए? 1500 मिलीग्राम. 1500 मिलीग्राम यानी 1.5 ग्राम नमक आपको चाहिए ही चाहिए, वो पूरे सोर्सेस से आपको मिल जाएगा, यानी खाने में, इसमें, उसमें. तो नमक कम से कम खाना इज गुड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा नमक खाने लग गए तो ठीक हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो अ मिथ. तीसरा मिथ बहुत जोरदार है कि मेरे को ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता, मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है. ये एब्सोल्युटली रबिश है, बिकॉज ब्लड प्रेशर का सिम्टम नहीं होता है. ब्लड जलो कहते हैं मुझे ठीक लग रहा है, डॉक्टर साहब आपकी मशीन खराब है, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो ही नहीं सकता. एब्सोल्युटली रॉन्ग. ब्लड प्रेशर में सिम्टम होना कंपलसरी नहीं है. ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो आपका सिम्टम तब जाके आएगा जब ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है महीनों, सालों, और अब ऑर्गन डैमेज होने लगा. जब आपके ब्लड के प्रेशर हाई से किडनी में प्रेशर ज़्यादा, किडनी डैमेज, सर में प्रेशर ज़्यादा, नसें में डैमेज, खून की नसों में डैमेज, वहाँ सर दर्द, तब होता है जब ऑर्गन डैमेज होना शुरू होता है. सर दर्द होना नहीं है तो ब्लड प्रेशर नहीं, ऐसा नहीं है. आप सभी का ब्लड प्रेशर 200 तक जा सकता है, 180 तक जा सकता है, और आपको कुछ ना हो, कुछ दिक्कत ना हो, ये नॉर्मल है. जब आप तेज दौड़ते हैं, कोई भी इंसान तेज दौड़ता है, ब्लड प्रेशर 180-200 तक जा सकता है, नॉर्मल है. ब्लड प्रेशर हाई जाना बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई रहना बीमारी है. तो ब्लड प्रेशर हाई का कोई सिम्टम होना जरूरी नहीं है. ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के पास कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कैसे ब्लड प्रेशर? बिल्कुल नहीं, ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, जी हाँ. तीसरा हो गया. उसके बाद मिथ है कि जो लोगों को ब्लड प्रेशर है उनको, मिथ यह है कि उनको नर्वसनेस होगा, उनको स्वेटिंग, घबराहट होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, पे शहरे में सूजन आ जाएगी, फ्लश फील होगा. मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, आई एम गुड, मेरे को कोई ब्लड प्रेशर नहीं है. अगेन, ब्लड प्रेशर हाई रहना सालों तक रह सकता है और आपको पता भी ना चले, आपको सिम्टम ही नहीं होगा, जीरो अंडा गुड़गुड़ पानी. लेकिन ब्लड प्रेशर हाई रहने पर सिम्टम अगर होने लगा, मतलब ऑर्गन डैमेज हो रहा है, मतलब वो सालों से रह के आपके अंदर स्लोली आपको अंदर से साइलेंट किलर वाला काम कर रहा है, तो सिम्टम का इंतजार मत करिएगा गलती से भी. सो देन लोगों ने कईयों ने सुना है कि मैंने पढ़ा है कि वाइन इज गुड फॉर द हार्ट, सो विच मीन्स मैं जितना मर्जी पी सकता हूँ मेरा हार्ट ठीक रहेगा. गलत, ये भी एक गलत वो चीज़ है. देखिए, जहाँ तक ये देखा गया है कि एक 12 आउंस की वाइन, यानी कि अगर आपने बहुत कम मात्रा में 150 ml के अंदर, 100-150 ml तक अगर आप वाइन लेते हो, तो वो रेगुलर बेसिस पे लेना कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं करेगा हार्ट के लिए, रेदर थोड़ा बेनिफिट होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना मर्जी पी लो, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रिंक्स आर गुड फॉर द हार्ट, ड्रिंक्स आर गुड फॉर ब्लड प्रेशर, नहीं.
जहां हम ये भी नहीं कह रहे कि नहीं जीरो पीना ही नहीं, हमेशा मत पियो, थोड़े भी पीना खराब है, हम ये नहीं कह रहे। जी हाँ, थोड़ा बहुत वाइन पीना इज गुड, वाइन इज बेस्ट, वाइन इज बेस्ट इन दैट केस, दूसरी ड्रिंक्स इज नॉट सो गुड। दूसरे ड्रिंक्स आपको जरूरी नहीं है, पर हाँ सेफ लिमिट में रह सकते हो। सेफ लिमिट का हमारे पास अलग से वीडियो है। सेफ लिमिट जिसको नहीं पता, सेफ लिमिट है मेल्स में 1 पैग, फीमेल्स में 2 पैग, सॉरी उल्टा हो गया, मेल्स में 2 पैग, फीमेल्स में 1 पैग। पैग कितना होता है वो आप ऑनलाइन देख लो। बेसिकली 150 ml का 1 पैग वाइन का होता है, 30 ml का 1 पैग विस्की उसकी और जो लीकर होते हैं उसका होता है, और 350 ml का 1 पैग होता है बियर का। राइट, ये हुई बात। फिर दूसरा मिथ होता है लोगों के पास कि हाई ब्लड प्रेशर है मुझे, लेकिन मेरा डॉक्टर उसके चेक कर लेता है, और जब भी मैं आराम से चेक करा देता हूँ, जब डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे घर में चेक करने के लिए क्या चेक, कोई जरूरत नहीं है। ये गलत मिथ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज द की हियर। ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करेंगे, लगातार ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर आवर। इसलिए जब भी आपको ब्लड प्रेशर मौका मिले, दिन में 2 बार चेक कराइए, और अगर आप रेगुलर चेक कराएंगे तो ही पता चलेगा आपका कंट्रोल कैसा है, आपका ब्लड प्रेशर रहता कितना है। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलरली मॉनिटरिंग। और मॉनिटरिंग में आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है किसी भी मशीन से, कोई भी हाथ वाली हो, फोर आर्म वाली हो, मशीन से चेक करिए ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग। इससे मशीन है हमारे पास, इससे मशीन से आप चेक कर सकते हैं। क्या हो गया भाई? हाँ, ब्लड प्रेशर इससे चेक कर सकते हैं, इसमें भी पता चलता है। कोई भी मशीन से रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए, उसी में वेरिएशन समझ में आता है कि जी हाँ आपका ब्लड प्रेशर हायर साइड रहता है। एग्जैक्ट 28 है, 129 है, कि 130 है, कि 160 है, कि 161 है, एग्जैक्ट से मायने नहीं रखता है। हाँ, मोटा मोटा देखना होता है, मोटा रेंज में कितने रेंज में है, 160 के रेंज, 140 अबव है, 140 बिलो है, 110 के बिलो है, कहाँ है, ब्लड प्रेशर रेंज देखा जाता है। आवाज आ रही है? बारिश आ रही है। राइट, सो दिस इज हाउ इट गोज। देन मिथ है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो गया एक बार, तो आपको बहुत ज्यादा पूरी जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। ये गलत बात है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर पूरी कंप्लीटली क्योर हो सकता है प्लेन सिंपल डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल करेक्शन, मेडिटेशन, योगा, इन सब के मेलजोल से। जी हाँ, पूरा ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल है, पूरा ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल है। कोई भी डॉक्टर जब ये कहता है कि वो नॉन रिवर्सिबल है, वो इसीलिए कहता है कि आप दवा ना बंद कर दो, इसीलिए नहीं कहता कि हाँ। कई डॉक्टरों ये देखा है, जैसे ही वो कहते हैं रिवर्सिबल है, वैसे ही दो पेशेंट क्या करते हैं, जैसे ही दवा खा के ब्लड प्रेशर नॉर्मल, अगले दिन दवा बंद, और 3-4 पेशेंट साइड इफेक्ट लेके आते हैं, सर में फट गए, ये हो गया, वो हो गया, हैवी चीज। सो डॉक्टर्स भी अडेप्ट करते हैं। अगर डॉक्टर्स के पेशेंट, जब पेशेंट को कोई मेजर साइड इफेक्ट होता है कि पेशेंट की ब्लीडिंग हो गई दिमाग में, तो पूछा जाता है आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किससे दवा ले रहे थे, तो वो देखा जाए कि ये डॉक्टर की दवा सही नहीं है, या ये डॉक्टर को आता नहीं है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं भाई नहीं, बंद नहीं करनी तुमने दवा। सो ये सोचो कि कोई क्यों कहता है ब्लड प्रेशर की दवा बंद नहीं करना है, लेकिन ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल है, तो डॉक्टर खुद करता है ब्लड प्रेशर की दवा धीरे धीरे कम और बंद। उसका मौका हमें देना है, आपको रीडिंग लेके आनी है, आपको मॉनिटर करना है, आपको ट्रेंड लेके आना है, वो ट्रेंड लेके हम देखेंगे। हाँ, ट्रेंड ज्यादा है, आप लाइफस्टाइल में ये बदलाव करो, डाइट में ये बदलाव करो, दवा ये बदलो, ये हिसाब है, समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ अबाउट इट। और एक और बड़ा मिथ है, लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर जैसे ही नॉर्मल हुआ दवा बंद कर देते हैं या आधी कर देते हैं, ऐसा खुद मत करो, बिल्कुल मत करो। यू डोंट नो, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 4 दिन दवा बंद कर देने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाता, क्योंकि ब्लड प्रेशर की कोई भी दवा, उसका असर 4-6 घंटे में शुरू होता है, और फिर 24 घंटे या 12 घंटे में जाके आधा होता है, फिर उस आधे बचे हुए का अगले 24 घंटे 12 घंटे में आधा होगा, फिर उसके आधे का अगले 24 घंटे, और तो इस तरह हाफ 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 होता जाता है, तो अगले 3-4 दिन तक उसका इफेक्ट चलता है। और आपने जब दवा बंद करी, तो अगले 3-4-6 कई बार 1 हफ्ते के बाद फट से आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक हो जाएगा। आपको लगता है 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मैं तो दवा नहीं खाई, मुझे तो दवा की जरूरत ही नहीं है। गलत। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट? सो ये मोस्ट कॉमन मिथ हुए आपके ब्लड प्रेशर के। इसके अलावा और भी मिथ है, कई लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मुझे चिंता नहीं करनी। भैया, एक साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, सालों में आपका ब्लड प्रेशर बड़ा रहते 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 आपके ऑर्गन्स डैमेज, हार्ट डैमेज, आपके लिवर, किडनी, आपके छोटे छोटे खून की नसें, एवरीथिंग गेट्स, आंखें, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड बाय ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द सेकेंड नंबर वन किलर
आफ्टर डायबिटीज, डायबिटीज इज ऑल्सो वन मोर वन बिग थिंग, ओबेसिटी से भी, ओबेसिटी अब ज्यादा बड़ा हो गया लेकिन हाँ है, ब्लड प्रेशर बहुत जोरदार खतरनाक बीमारी है, रिमेंबर दैट। फिर इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रीटमेंट की बात आती है जो मिथ में आता है। कई लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट काम नहीं करता, क्योंकि उनका वो कहते हैं मेरा तो ब्लड प्रेशर इतना ही रहता है, मेरा तो 160 ही रहता है, मेरा तो 150 ही रहता है, डॉक्टर साहब मेरा तो 150 ही रहता है, मेरा तो डॉक्टर ने बोला आपका इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मिथ है क्वाइट फ्रेंकली। जी हाँ, देखिए एक लेवल होता है, ब्लड प्रेशर की दवा भी कितनी देंगे, एक लेवल के ऊपर देना बहुत सही नहीं होता, इसलिए आपके डॉक्टर बोल देते हैं हाँ इतना भी मेंटेन करो, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर उस समय बढ़ जाता है आपका, थोड़ा सा एंजाइटी से, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको। इसलिए घर पे मॉनिटर करो, 24 घंटे मॉनिटर करके देखो, एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करके टेस्ट आता है वो करके देखो, उससे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रह भी रहा है या नहीं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें बहुत जरूरी है, ये मिथ्स बहुत जरूरी है, राइट? सो ये हुई बात आपके मिथ्स की, ब्लड प्रेशर की। कोई और सवाल है तो आप लिखिए।